ओम शांति। आज हम कर रहे हैं 18 अक्टूबर की शुरुआत की रिकॉर्डिंग। किनारा करने के बजाय हम किसी किसी इंसान से कभी कभी किनारा कर लेते हैं, रूठ जाते हैं, बात करने का मन नहीं करता, शक्ल दिखने का मन नहीं करता, हम ऐसी चीजें बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, मूड हो जाता है, लाल हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है या ईर्ष्या से काला हो जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे, मैं देश चेंज कर लूंगा, सिटी चेंज कर लूंगा, कर लूंगी, नौकरी चेंज कर लूंगा, कर लूंगी, घर पर चेंज कर लूंगा, कर लूंगी, समाज से दूर हो जाऊंगा या कर लूंगी, या जिसने तंग या जिससे जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, जो कि हम देखते आ रहे हैं आजकल डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, बहुत सारे, तो उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे, इसलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। बस फर्क इतना है, वो बदल लिया तो इतनी लंबी पीड़ा से जाने की जरूरत नहीं है कि जगह बदलो, घर बदलो, डिवोर्स करो या ब्रेकअप करो, रिलेशनशिप्स तोड़ो या साथी जो है फ्रेंडशिप तोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं है, या कंपनी चेंज करो, अपने को बदल लो। लेकिन वो बदलना क्यों मुश्किल आता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमें लगता है प्रॉब्लम दूसरों के अंदर है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम 50-50 भी होती है, औरों के अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। अब सहनशीलता का मतलब ये नहीं कि कोई आपको अगर धन का नुकसान करते जाए आप सहनशील बनते जाओ, हाँ हर केस में नहीं होता, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप्स की बात हो रही है एंड स्पेशली जब हम सेंटर्स में रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी साथ में रहते हैं, आपस में अनबन होती है, कुछ बातें चीत नहीं मिलती है हमारे आपस में, तो उस समय सहनशीलता को अडॉप्ट करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं। दुनिया में बाहर जब हम रहते हैं तो धन का लेन देन हुआ या कुछ और चीज़ें हुई, उनसे हमें प्रॉब्लम अगर आती है तो उसमें सहनशील हुए, लेकिन बहुत अगर कोई करता है, प्रॉब्लम करता है, तो ऑब्वियसली हमें स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म, इमोशनल हार्म, इन चीज़ों के लिए स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी है। बाकी छोटी मोटी बातें अगर होती हैं तो उनको नकारा भी जा सकता है, फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप्स में हो, तो तुम्हें में होती हैं, उनको नकारा जा सकता है, लेकिन बहुत ही अगर गहरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ऑब्वियसली देखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सहनशील नहीं होकर के आप गुस्से में आ जाओ या आक्रोश में आ जाओ आप, या आप ही बदला लो, वो नहीं। सहनशीलता का मतलब ये है कि आपको उसको ठीक करना है, उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, जो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसको आपको कहना है कि ये गलत है, लेकिन सहनशीलता से, क्रोध से नहीं, अभिमान से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है, एक बहुत ही फाइन ट्यूनिंग होती है इसकी, जो कि सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी। इसमें ये एक्सपीरियंस होते होते हमें सीखने को मिलता है, आप भी आकर के इसको सीख सकते हैं। ओम शांति।